हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम जो गीत पढ़ने जा रहे हैं, उस गीत को आपने जरूर सुना होगा। स्पेशली 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आप ये तो समझ गए होंगे कि कोई देशभक्ति गीत ही होगा, लेकिन कौन सा? तो हम आपको बता दें कि वो गीत है कर चले हम फिदा। कवि ने यह गीत 1962 में चीन और भारत के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा था। इस गीत में उन बहादुर सैनिकों के दिल की आवाज का वर्णन किया गया है। इस गीत के कवि हैं उर्दू भाषा के मशहूर कैफी आजमी। इन्होंने कर चले हम फिदा गीत हकीकत फिल्म के लिए लिखा था। अब हम मिलते हैं इस गीत के प्रमुख पात्रों से, यानी मेन करैक्टर से। ये है हमारा भारत देश। भारत देश महान है, इस देश पर हमें गर्व है। ये भारत के सैनिक हैं। ये अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। यह भारत का मुकुट हिमालय है। हिमालय भारत देश के मान सम्मान की निशानी है। यह हमारी धरती है। धरती को दुल्हन के समान माना गया है। ये तो थे इस कविता के प्रमुख पात्र, जिनसे आप मिल चुके हैं। तो अब हम आपको पहले यह गीत सुनाते हैं। यह गीत सुनकर तो आपके अंदर जोश व उत्साह पैदा हो गया होगा। तो इस जोश के साथ अब हम इस गीत के अर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। प्रस्तुत गीत की इन पंक्तियों में युद्ध भूमि में शहीद होते सैनिक अपने देशवासियों से कह रहे हैं कि हे साथियों, अब हम अपनी जान और अपना शरीर देश के लिए न्योछावर करके इस संसार से जा रहे हैं और अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब हमारी सांसें थम रही हैं और नब्ज रुक रही है, परंतु हम अंत तक लड़ते रहे। आगे क्या कहा है देखते हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमने अपना सिर कटा दिया, परंतु भारत के मान सम्मान की निशानी क्या है? हिमालय। तो यहाँ कहा है कि हमने अपना सिर कटा दिया, परंतु भारत के मान सम्मान की निशानी हिमालय के सिर को, यानी भारत के मुकुट को नहीं झुकने दिया। मरते दम तक हमारा बाकपन, बाकपन यानी जोश कायम रहा। अब यह देश तुम्हारे हवाले। आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गीत की इन
पंक्तियों में सैनिक गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उनका मानना है कि जिंदा रहने के तो कई मौके मिलते हैं, परंतु देश पर कुर्बान होने का सौभाग्य रोज रोज नहीं बल्कि कभी कभी मिलता है। इसमें कहा है ना, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, कहने का मतलब है कि जिंदा रहने के जो अवसर हैं वो कई मिलते हैं। जान देने की रुत रोज आती नहीं, परंतु देश पर कुर्बान होने का सौभाग्य रोज रोज नहीं बल्कि कभी कभी मिलता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। इसमें कहा है कि जवानी की सार्थकता तभी है जब वह देश की रक्षा के लिए अपना खून बहाए। जो देश के लिए अपनी जान गंवाने से बचता है वह सुंदरता और प्रेम दोनों को बदनाम करता है। आगे कहा है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ कहते हैं कि आज सारी धरती दुल्हन की तरह लाल रंग से भरी हुई है, अर्थात चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा है जो देश की रक्षा के लिए भारत के वीर सैनिकों ने बहाया है। भारतीय सैनिकों ने अपने बलिदान के खून से धरती रूपी दुल्हन की मांग भरी थी। अब यह देश की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चों, यहाँ से एक प्रश्न उठकर आपके एग्जाम में भी आ सकता है, वो क्या कि धरती को दुल्हन क्यों कहा है या धरती को दुल्हन क्यों माना है। तो आपको यहाँ लिखना होगा कि धरती को दुल्हन का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि धरती पर जो सैनिक हैं उनके खून से धरती जो है लाल हो गई है, ठीक उसी तरह जैसे दुल्हा अपने दुल्हन की मांग को भरता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी भाषा शैली में लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को आपको तैयार करके रखना होगा और सुंदर ढंग से लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। सैनिकों का कहना है कि हम तो कुर्बानियां दे रहे हैं, उसका सिलसिला चलते रहना चाहिए, अर्थात देश के नाम पर बलिदान होने के लिए सभी देशवासियों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसमें कहा है ना, राह कुर्बानियों की ना हो वीरान, मतलब जो कुर्बानियां हो रही हैं वो शांत नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। कुर्बानी देने का जो सिलसिला है वो चलते रहना चाहिए। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें कहा है कि हमारे मरने के बाद भी बलिदानों के काफिले देश के लिए सजते रहने चाहिए। अब हमारी जिंदगी मौत को गले लगा रही है, इस बलिदान के बाद ही तुम्हें जीत का उत्सव मनाने का मौका मिल जाएगा। अब तुम अपने सिर पर कफन बांधकर, यानी मौत को गले लगाकर देश पर बलिदान होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम संसार से जा रहे हैं और देश की रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर देने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कौन सा प्रश्न? सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत
करता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे? पहले तो आप उसका अर्थ लिखेंगे कि सर पर कफन बांधना यानी मौत को गले लगाना। यदि हमें देश की रक्षा के लिए मौत को भी गले लगाना पड़े तो हम इसके लिए साहस व निडरता के साथ तैयार रहेंगे। तो ये प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है, किसमें? इस गीत में। आगे बढ़ते हैं। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। यहाँ रावण किसके लिए कहा है? दुश्मन के लिए। इसमें सैनिक संदेश दे रहे हैं कि अपने खून से इस धरती पर ऐसी रेखा, ऐसी लकीर खींच दो कि दुश्मन नाम का रावण भारत भूमि पर कदम रखने की हिम्मत ना कर पाए। आगे कहते हैं कि तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। इसमें कह रहे हैं कि यहाँ भारत देश की पवित्र धरती को सीता का दामन कहा है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि सीता का दामन किसके लिए आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीता का दामन जो है देश की पवित्रता के लिए आया है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। यहाँ कह रहे हैं कि भारत देश की पवित्र धरती को सीता का दामन कहा है। सीता जैसी पवित्र भारत माता की ओर यदि कोई अपने हाथ बढ़ाए तो वो हाथ ही तोड़ डालो। आगे कह रहे हैं कि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें कह रहे हैं कि मेरे साथियों तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात हर रूप में इस देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। यहाँ राम और लक्ष्मण से क्या मतलब है? राम जो है क्या थे? शांत थे, और लक्ष्मण जल्दी क्रोध में आ जाते थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको दोनों भूमिका आप ही को निभानी है, शांत का भी और क्रोध का भी। लेकिन किसी भी हालत में आपको देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो है निभानी है। तुम्ही को सभी तरह की भूमिकाओं को निभाना है। अब ये देश तुम्हारे हाथों में सौंप कर हम संसार से विदा ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं विदा? सैनिक। क्यों? क्योंकि इस गीत में सैनिक के हृदय में जो आवाज है, जो वो संदेश देना चाहते हैं, उनको वो अपने सैनिकों को दे रहे हैं कि इस बलिदान को जारी रखना और किसी भी हालत में अपने देश की रक्षा करना है। इसकी जिम्मेदारी हम आपको सौंप के इस संसार से विदा ले रहे हैं, अपनी बलिदानी दे रहे हैं। तो बच्चों, ये गीत यहीं पर समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि इस गीत के अर्थ को आप भली भांति समझ गए होंगे।